उत्तर प्रदेश में बीजेपी पर लगातार संकट गहराता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिलने के बाद से ही पार्टी में आपसी कलह की खबर सामने आती रही है। उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच का तनाव अब चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से यूपी में बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। बीजेपी की अंदरूनी कलह चरम पर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच का तनाव सुर्खियों में है। विपक्ष लगातार बीजेपी पर तंज कस रहा है। इस बीच विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी को लेकर एक बड़ा दावा किया है। सपा ने दावा किया है कि अगले कुछ महीने में सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी चली जाएगी। समाजवादी पार्टी एक्स पर ट्वीट कर लिखा, अपने घर पर नेताओं से मिलकर केशव मौर्य ने सीएम योगी के खिलाफ अंदर ही अंदर खेल कर दिया है। संभवतः अगले कुछ महीनों में सीएम योगी की कुर्सी चली जाएगी। लगातार केशव मौर्य अपने नेतृत्व में गुट तैयार कर रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और सीएम योगी के खिलाफ बोल रहा है। और प्रदेश अध्यक्ष और सीएम योगी के खिलाफ इस बगावत को केशव मौर्य धार और ताकत दे रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी और सीएम योगी दोनों ही केशव मौर्य के रडार पर हैं और दोनों के खिलाफ खुलकर केशव खेल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के चलते पार्टी में हलचल तेज है। पार्टी समीक्षा बैठक कर अपनी हार की वजह तलाशने में जुटे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी के अपने ही नेता बगावत पर उतर आए हैं। पिछले दिनों लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में केशव मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताया, जिसके बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।